तो लो भाई अपनी मक्की फुल हो चुकी है 100% 45,000। तो लो भाई अपनी ट्रॉली दोबारा फुल हो गई है एक बार फिर, यार अपना काफी बड़ा है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अभी आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त मस्त होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 22 यानी कि FS22। तो भाई आज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपना फसल भी काटेंगे, जो अपनी खेत है भाई कॉर्न लगी है, मक्की है तो मक्की काटनी है आज मेरे को। तो कई भाई कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करो यार, अपनी खेती बाड़ी भी करो। चलो यार आज वो भी कर लेंगे। तो आज मैंने ना काम करना है तो मैंने आज पहनी पजामी, देखो भाई, तो पजामी पहनी चिट्टी और काली, तो फिट लगेगी ना, क्योंकि काम में भाई मस्त लगेगी और मतलब फंसेगी नहीं। तो ट्रैक्टर पर चढ़ना है, कई बार हार्वेस्टर पर चढ़ना है, तो फटाफट से काम होगा। तो चलते हैं जल्दी से भाग के। और ये अपना घर है तो इसमें अपने घर दो हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक लिया है सिर्फ कल्टीवेटिंग का, इसके पास ये है भाई 8 नंबर खेत में। तो चलते हैं 8 नंबर खेत पे, मैंने सेट कर दिया इसको और यहाँ लगा देते हैं हेल्पर, ये करता रहेगा अपना काम। और हम चलते हैं भाई अब दुकान के अंदर शॉप में। तो ये है भाई शॉप अपने घर के पास, तो ये आगे भी हम शॉप के अंदर, अब मैं अंदर ही घुस गए। तो आज पहली बार आया हूँ मैं शॉप पे अंदर। तो यहाँ भाई आइसक्रीम भी पड़ी है, वो सोफे वोफे रखे हुए। और भाई ये क्या रखा हुआ, ये छोटा सा यार ये क्या रखा है, कोई चीज़ रखी है उसके ऊपर कुछ लिखा है। चलो ये है शॉप, अब चलते हैं शॉप पे और करते हैं शॉपिंग। चल भाई इधर आ। तो अभी तो मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, तो करते हैं यहाँ पे शॉपिंग चल के। अभी मैं मुझे चाहिए कॉर्न काटने के लिए सामान। तो भाई यहाँ पर देखते हैं, एक ट्रॉली अपने को मिल रही है सस्ती, तो एक काम करते हैं, इसकी कैपेसिटी है 45,000। तो भाई इसको ये सारी फसलें उठाएगी, इसको कस्टमाइज़ करके ले लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और इसके अंदर कोई ख़ास तो नहीं है, ये क्या भाई इसकी कैपेसिटी, अच्छा मैन्यूर स्प्रेडर भी बन जाएगा ये, अच्छा स्टैंडर्ड, ओके। तो अभी हमें कुछ स्प्रेड नहीं करना, टायर ओरिजिनल ले लेते हैं, टायर की कोई दिक्कत नहीं है, टायर से क्या फ़र्क पड़ता है भाई। तो टायर ये साथ में मिल रहे हैं। और ये है वाइट टायर, वाइट टायर क्या करने हैं यार। और ये है भाई अपना नाम, इस पर लिखते हैं पटाफट से STA। अब यार एक तो ये बहुत बड़ी बसगुड़ी है, एक इनको कैंसिल करना, भी नाम लिखना है इसमें बहुत दिक्कत वाला काम है। तो बैक ओनली नो प्लेट, अच्छा नो प्लेट, ओके चलो यार ओके करते हैं, नो प्लेट, प्लेट नहीं चाहिए। चलते हैं ऐसे ही इसको लेते हैं, वाई कर लेते हैं। तो ट्रैक्टर नहीं है अपने पास, ट्रैक्टर चाहिए और एक चाहिए हार्वेस्टर। हार्वेस्टर देखते हैं किराए पे मिल जाएगा। अपने पास है भाई $226,000 और ये है $129,000 का। और ये फसलें काटता है इतनी, ये भाई देखो बहुत महंगे हैं। सबसे अच्छा वाला अगर हार्वेस्टर लेते हैं क्लास का, या ये MF आइडल का, ये भाई बहुत महंगे हैं। इनकी कैपेसिटी देखो 17,000 है, इसकी कैपेसिटी 18,000 है, लेकिन भाई ये $500,000 चाहिए इसके लिए। तो एक काम करते हैं छोटा सा ले लेते हैं, कोई जॉन डीयर का ले लेते, 10,000 कैपेसिटी है, ये कौन भी काटेगा इसको। अभी मैं किराए पे ले लेता हूँ, देखता हूँ किराया 14,000 रुपये किराया भाई। और इसका हेडर भी लेना पड़ेगा, कौन हेडर जॉन डीयर का, ये वाला, एक मिनट, जॉन डीयर ये लग जाएगा क्या भाई, ये बड़ा है, देखता हूँ लग जाएगा कि नहीं। इसको लीज पे लेते हैं, तो किराया भाई 6,400। ओ भाई चलते हैं बाहर, शॉपिंग हो गई अपनी। ट्रैक्टर चाहिए भाई, ट्रैक्टर का क्या किया जाए, ट्रैक्टर तो लेना ही पड़ेगा यार, क्योंकि माल कैसे डालूंगा मैं, बेचूंगा कैसे। तो आज देखते हैं कि अपना जो कौन कटे काट के, मतलब जब मैं बेचूंगा तो किराया मेरा लग गया है जितना, उससे ज़्यादा कमाई होती है कि नहीं होती। तो अगर भाई उतनी कमाई नहीं होगी फ़ायदा क्या होगा, ट्रॉली तो मैंने खरीद ली है और किराया लग गया देखो कम से कम। ओहो भाई इसका हेडर, ये पाइप बहुत लंबा, तो किराया बहुत लग जाता यार, ये दिक्कत है। चल भाई चल चल चल, तो इसको लेके चलता हूँ, पहले मैं हेल्पर लगा के आता हूँ, फिर ट्रैक्टर देखता हूँ यार, कोई ट्रैक्टर तो चाहिए। वो तो अपना घर है भाई उस तरफ, वो रहा घर अपना, वो कौन का खेत लगा है ना, देख रहे हो घर सामने नज़र आ रहा है, ये अपना घर लेफ्ट। तो चलते हैं बाहर से खेत अपना, एक रास्ता अपने घर का रास्ता किधर है भाई, वो रहा पीछे 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 पीछे, ओके ओके सॉरी सॉरी गाड़ी वाले, क्या भाई क्या? ओ यार ये हार्वेस्टर
हार्वेस्टर का हेडर तो वो बहुत ही बड़ा है, और इसको लेके कैसे जाऊंगा यार? ये चला जाएगा इस नहर से, देखता हूँ इस नहर के ऊपर से चला जाएगा ये। एक मिनट, हाँ तो आ गया। ओ भाई फंस गया, ये तो फंस गया है भाई, बहुत मुश्किल से निकल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा होके चलो निकल तो गया। आ गया आ गया आ गया, ये दिक्कत है। ओ भाई रुक रुक रुक, ग्रिल लगी है भाई आगे, ओ नकली ग्रिल है यार ये। ओ भाई, ओ गाड़ी वाले, ये क्या कर दिया आपने, मत फंसा दिया। ओ चल भाई चल चल चल, अरे गाड़ी वाला कहाँ है यार, चल 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 भाई, नहर में गिर गया अपना हार्वेस्टर। तो ये है भाई जॉन डियर का हार्वेस्टर। अब ये हेडर जो मैंने लिया ये बड़ा है काफ़ी, अब ये देखता हूँ कि काटेगा भी यार। अपने खेत में घुस जाओ भाई, गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं। चलो इसको खोलते हैं फटाफट, एक्स दबाते हैं और फिर दबाते हैं जी, फिर एक्स दबाते हैं। तो इसको उस कोने से काटते हैं, पहले मैं ये अपनी लाइन काट दूँ भाई, इधर ट्रैफिक बहुत चल रहा है, दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर जगह भी नहीं है भाई, वेरी गुड। तो ये हेडर बड़ा वाला है, देखो काम तो कर रहा है, करते हैं इसको ऑन। चल भाई काटते काट, लो भाई कौन अपनी कट गई। तो मैंने क्या करा था, टेस्टिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कौन का, उसका सनफ्लावर का। तो उस हार्वेस्टर को मैं अपने खेत में लाया था, मैंने सोचा था कि कौन कट जाएगी अपनी, लेकिन भाई उससे कौन नहीं कटी, तो वो सिर्फ सनफ्लावर के और जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए था। तो यार मैं सोच रहा था कि शायद कट जाए तो मैं अपना काम चला लूँ, उससे मेरा किराया ना लगे। तो अब देखो किराया लग गया है, बगल 20-25 हज़ार डॉलर लग ही गया, तो ऐसे किराया मार जाएगा भाई। तो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने लिया है उसके मुझे मिलेंगे 14 हज़ार डॉलर, तो वो किराए में चले जाएंगे, मतलब किराया हमारे को जेब से लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो करने ही पड़ेंगे थोड़े, क्योंकि तो भाई अभी पैसे वैसे तो है नहीं है, तो ये दिक्कत है। और इसकी कैपेसिटी 10 हज़ार, अभी ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा यार, ट्रैक्टर क्या करूँ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रैक्टर है उससे काम नहीं चलेगा क्या? उसको लेके आऊँगा तो वो माल बेचने जाएगा नहीं ना यार, ये भी बड़ी दिक्कत। तो ये खेत है भाई अपना, इसको काटते हैं इस कोने से। एक मिनट, यहाँ पे मैं अभी हेल्पर लगा देता हूँ, क्योंकि तो भाई भी मेरे को और बहुत सारे काम है। ये खेत है, इसमें लिखा नहीं आ रहा कितने एकड़ का, तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हम अपना ये खेत का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दें ताकि भाई वो हमें काट के कौन बाज बेचते हमारी और हमें पैसे मिल जाएं। तो इसमें ऐसा होता नहीं यार। चलो यार ट्रैक्टर देखते हैं, कोई अच्छा सा मिडिल आई मीन स्मॉल ट्रैक्टर देखते हैं। तो भाई स्मॉल ट्रैक्टर के अंदर चलते हैं पीछे, तो यार ये तो मोड आ गए। अच्छा तो ये ट्रैक्टर है, ये भी मोड है, नहीं यार ये मोड नहीं है। तो ये लंबे लंबे से ट्रैक्टर आए हैं, पतले पतले से, देख रहे हो भाई, ये ऐसे ऐसे ट्रैक्टर आए हैं कांटों कांटों से, ये बच्चे बच्चे ट्रैक्टर है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए अच्छा वाला। तो सबसे बड़ा है भाई क्लास का, इसकी कैपेसिटी ये है भाई 205 हॉर्स पावर का है, 101,20,000 का। एक मिनट, एक काम करते हैं मीडियम में चलते हैं, मीडियम में चल के देखते हैं थोड़ा हॉर्स, भाई जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर होगी उतना बढ़िया रहेगा। JCB का है 2,16,000 का, भाई अपने पास पैसे नहीं है। ये है भाई 295 हॉर्स पावर का, एक मिनट इसको देखते हैं। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, 235, 264, 295, भाई 2,30,000 का हो रहा है, नहीं भाई इतने पैसे नहीं है। ये देखते हैं भाई वाल्ट्रा, ये 1 लाख का है, इसकी कैपेसिटी है 190, इसकी कैपेसिटी है भाई 225। ये है कौन सा, लंदनी, ये कौन सा ट्रैक्टर है भाई, लंदनी का ट्रैक्टर भी होता कोई? तो ये नई कंपनी आई है लैंडनी। ओके इसको देखते हैं, कांग्रेस की कैपेसिटी ये है 190 हॉर्स पावर का, इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा इंजन सेटअप, 225, 225 हॉर्स पावर का मिल रहा है भाई ये, 1,67,000 का ले लेंगे। कलर इसका बस, ओ भाई मेटालिक कलर, ओए हो, और इसके रिम का कलर भी चेंज हो जाएगा, रिम ब्लैक नहीं भाई, रिम वाइट अच्छे। तो ये ले लेते हैं मेटालिक वाला, और क्या करें, इसको बाई कर लेता हूँ, मेरे पास सारे पैसे खत्म होने वाले हैं अब। लो भाई अब ट्रॉली और ट्रैक्टर अपने हो चुके हैं, तो ट्रॉक चलते हैं अपने उसको लेके। ये है भाई अपना ट्रैक्टर, और फौरन इसमें बहुत ही महान वाला, बहुत ही बढ़िया, और भाई बिकन जीवन भी। तो ट्रॉली ट्रैक्टर भाई अपने हो चुके हैं आज, तो इससे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं थोड़ा बहुत। चल भाई क्योंकि यार फसलें लगाऊंगा तो बार बार बेचनी तो पड़ेंगी,
अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जरा मैं ट्रॉली पहुँचा दूँ खेत पे, फिर उसके बाद चलते हैं टूर करते हैं एक बार इसका, कि मेरे घर में क्या क्या सामान है। अरे भाई इसकी कटिंग बहुत बढ़िया है यार, देखो और एल लिखा है इस पे। ये नया ट्रैक्टर है भाई, लंदनी लंदनी का ट्रैक्टर भाई, बाप भाई वाह क्या नाम रखा। और चलते हैं इसको लेके ये नहर के ऊपर से भाई, अपना ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली, भाई अपना ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली की तो बात ही अलग होती है यार। देखते क्या ही नज़ारा आता है यार, इसको हटा दो ना, ऐसे आता नज़ारा भाई। पुल कितना प्यारा बना रखा। और देखते हैं भाई गाड़ी वाले इसमें बहुत स्पीड पे आते हैं यार, फटाफट से निकलते हैं इसको लेके। ओके चल लंदनी ये पहुंचा दूँ। तो लंदन से आया शायद, ये लंदन में किसी ने मॉप बनाया भाई ने। तो अपने पास ट्रॉली होगी 45,000 की कैपेसिटी वाली, तो कौन देखते आज कटेगी और कितने की बिकेगी। और पिछली बार एक भाई कह रहा था कि आपने कौन पूरी नहीं ली थी कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी, तो पता नहीं, मैं तो ध्यान नहीं है, मैंने शायद निकाल तो ली थी, थोड़ी बहुत रह जाती हो, रह गई होगी उसमें। चलो आगे से भाई गलती नहीं होगी। ओके तो भाई इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं, अब देखते हैं इसने क्या कर दिया। इसने भाई ये साइड से नहीं कर रहा, तो भाई साइड में पेड़ है ना, चलो इसको बाद में देखते हैं। अभी कितने परसेंट कर दिए भाई ने, 37%। तो ये बेलिंग का था, फर्टिलाइजिंग का मैंने अभी नहीं करा, अब मैं इसको शायद कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मशीन नहीं है, तो मुझे फर्टिलाइजिंग की मशीन भी चाहिए। तो अगर इस पे चल के देखता हूँ, तो इस पे नज़र रखी थी मैंने, तो ये एक जानवरों की एक प्लो है और ये एक रैपर है, तो ये नहीं, ये बेल लोडर है, सॉरी। तो ये अभी नहीं लेना, तो चलते हैं वापस। ओ भाई एक मिनट, इसकी तो ट्रॉली वो फुल हो गया भाई, उसकी कैपेसिटी 10,000 ही है ना। चलो भाई इसमें ट्रैक्टर थोड़े स्लो चलते हैं। तो ये ट्रॉली है भाई अपनी फार्म टैग की, और ट्रैक्टर हो गया अपना लंदनी का। ये मेटैलिक कलर के पैसे लगे हैं थोड़े से, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेटैलिक कलर बढ़िया होता है भाई, ज़रा सा कपड़ा मारो चमक जाता है। दूसरा कलर जो होता है ना, उस पर फिर घिस घिस के साफ करना पड़ता है। लो भाई 10,000 कॉर्न तो आई, चलो उतर जाते हैं इससे, ये डालता रहेगा अपने आप। आज अपनी खुद की खेती कर रहे हैं। तो लो भाई अपनी मक्की फुल हो चुकी है 100%, 45,000। और यार एक कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म हो गया है कल्टीवेट वाला, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने और लिया था सोयाबीन का, तो वो ट्रॉली भी फुल हो गई है, पीछे आ रही है भाई मेरे, उसको भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का माल है वो यहाँ पर बिकेगा, और जो कॉर्न है उसका रेट भी यहीं पर मिल रहा है सबसे ज़्यादा। तो CGCHB ग्रेन एलिवेटर, पता नहीं शायद ऐसे कुछ नाम है इस जगह का, तो यहाँ पर बिकेगी अपनी कॉर्न भी, और भाई कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा अपना पीछे आ रहा है हेल्पर, आ जा भी आ जा। तो उसके साथ हमें मेरा JCB का ट्रैक्टर, और अब पहले अपनी कॉर्न बेचता हूँ यहाँ पर, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वाला माल बेचूँगा। तो देखते हैं कॉर्न का रेट है भाई, 700 कुछ रुपये, 48,000 कॉर्न है, और अपना अभी कॉर्न का खेत आधा ही कटा है यार, मुझे लगता है अभी 45,000 मिली है, 45,000 और मिलेगी। लो भाई पैसे बढ़ गए अपने, तो पैसे ख़त्म हो गए भाई सारा सामान ले लेके। देखते हैं आप कितने हुए टोटल भाई, 35,000 की ट्रॉली बिकी अपनी, और यार उस हेल्पर को हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो अंदर ही घुस जाएगा। इसके अंदर हेल्पर पता नहीं हटता कैसे है यार ये। अब भाई उस ट्रॉली को हटाना पड़ेगा, तो इसको लगाते हैं हम साइड में। चल भाई चल चल ले भाई, इसमें ट्रैक्टर थोड़े स्लो चलते हैं यार। ओ भाई ये क्या हो गया, अच्छा जगह की बहुत शॉर्टेज है भाई यहाँ पे, जगह जरा कम है। चल बात के फटाफट उसके पास। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो हार्वेस्टर है ना, उसकी सारी सोयाबीन तो मैंने निकाल ली है, उसके अंदर बची है 1,000 1,000 किलो, तो यार वो लेने दोबारा जाना पड़ेगा। तो देखता हूँ उसको कॉन्ट्रैक्ट को लूँ या ना लूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो खैर अब ख़त्म हो जाएगा, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सोयाबीन का रेट देखते हैं क्या चल रहा है। अगर भाई इतनी दूर है खेत, मैं वापस जाऊँगा और आऊँगा 1,000 किलो के लिए, तो मेरे को बहुत नुकसान होगा। और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, लो भाई कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, और हमें मिले भाई 4,705 रुपये। एक बार देखता हूँ यार रेट कहाँ गया रे, अरे रेट कहाँ गया भाई, ओट का रेट। तो भाई $1,600 मुझे और मिल सकते हैं अगर मैं जाके उसको लेके आऊँ। तो चलो यार मैं ला के उसको बेच देता हूँ, और क्या करूँगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। तो अब चलते हैं भाई खेत पे वापस दोनों ट्रॉली को लेके, और भरते हैं इनके अंदर फिर मार।
चलो तो भाई अपनी ट्रॉली दोबारा फुल हो गई है। एक बार खेत यार अपना काफी बड़ा है और इस बार ट्रॉली यार देखो कैसे फुल हुई है, मतलब ये ग्लिच है या क्या है। तो आधा ही माल आया पीछे, आगे नहीं आया। फसल कौन की आगे नजर ही नहीं आ रही, पीछे पीछे नजर आ रही है। चलो चलते हैं इसको फटाफट बेचने, वो सामने बिकेगी। और भाई खाली बैठा था मैं इतनी देर से, तो एक कॉन्ट्रैक्ट और था कल्टीवेटिंग का छोटा सा, मैंने वो ले लिया। तो पिछली बार मैंने 4, 8 और 16 नंबर खेत की हार्वेस्टिंग करी थी, तो 4 और 8 नंबर वाले ने मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया था कल्टीवेटिंग का, क्योंकि फसलें कट चुकी थी तो भाई उसको कल्टीवेट की ज़रूरत थी। तो मैंने दोनों की कल्टीवेट कर दी है, अब दूसरे की चल रही है, अभी पैसे लेने हैं बस उनसे। तो इसको बेच देते हैं जल्दी से एक बार और एक ट्रॉली अभी थोड़ी सी और कौन हमें मिलेगी वो फिर बाद में बेचते हैं। तो वहाँ पर मैंने खड़ी करी हुई है ट्रॉली कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो थोड़ी सी कॉर्न जो थी मैं भाई वो लेके आया था। चलो पहले मैं अपना नहीं सॉरी सोयाबीन लेके आया था कॉन्ट्रैक्ट वाली, पहले मैं अपनी कॉर्न भेज दूँ भाई। तो पैसे तो आज काफ़ी हो चुके हैं यार, बस 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 तो पैसे 63,000 हो गए। अरे यार अभी तो 75,000 थे, पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं यार। ये 63,000 कैसे हो गए? मैंने तो कुछ खरीदा नहीं अभी। लो भाई ये गए अपने पैसे अंदर, 32,000 और आए, 32, 32, 64। तो भाई ओ यार ये ट्रॉली भाई काफ़ी लंबी है, तो ये ट्रॉली फंस गई थी, क्या दिक्कत है समझ नहीं आया क्या हुआ। चलो चलते हैं उसको कॉर्न, ये थोड़ी सोयाबीन बची थी यार इसको बेच दूं भाई। इसके भी मिलेंगे कम से कम 1,000-1,200 डॉलर तो मिलेंगे ही, तो 95,000 हो गया भाई अपने पास। तो हेल्पर पैसे ले रहे हैं यार, हेल्परों के पैसे कट रहे हैं ना। लो भैया हो गया अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा, कॉन्ट्रैक्ट तो खैर पूरा हो ही गया था भाई। 1,900 रुपये मिला, 1,995 डॉलर, यानी कि 2,000 तो हट जा भाई। ओ यार जगह का, तो चलो एक काम करते हैं चलते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये दो तो कंप्लीट हो गए हैं, एक हार्वेस्टिंग, एक कल्टीवेट का, इसको करते हैं कलेक्ट, इसको भी करते हैं कलेक्ट। लो भाई ट्रॉली गायब हो गई, तो हमें मिली भाई 12 और 7, 19 थी भाई, ये मिल गए हमें 20,000 डॉलर। और ये अपनी कॉर्न भी लो आखिरी कट गई, और ये भाई कल्टीवेट अभी हो रही है देखो, बस ये लास्ट है, बस 2 लाइन बची है। तो ये 4 नंबर खेत है। चल भाई फटाफट अपने खेत पे चल 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 भाई, इसमें ट्रैक्टर स्लो चलता है बहुत। तो चलते हैं और कॉर्न अपनी भर के एक बार फिर बेचते हैं, और कल्टीवेट का जो एक कॉन्ट्रैक्ट 4 नंबर वाला है उसको भी लेते हैं भाई उसके पैसे। अब मैं शॉर्टकट मारने वाला हूँ भाई खेत में से, तो मुझे लगता है अभी मेरे खेत को प्लो की ज़रूरत नहीं है, मुझे कल्टीवेट ही करना पड़ेगा शायद, क्योंकि तो अभी वो बता रहा है कि, लेकिन जो कॉर्न है भाई गहरी होती है अंदर तक, तो प्लो करना पड़ेगा, लेकिन वो गेम वाले कह रहे हैं कि नहीं आप कल प्लो नहीं करना, तो तभी हम वाला अभी मोड भाई लाना पड़ेगा। देखता हूँ आज आ गया तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। लो भाई इसने भी काट ही थी आखिरी काटर लाइन। तो यार अपना खेत छोटा सा नहीं है देखो भाई, इधर भी है, मैं सोच रहा था लंबा है, लेकिन ये खेत अगर देखें तो यार ये देखो इतना बड़ा खेत है भाई अपना, और अपने खेत की वैल्यू देखो तो 5 लाख है, और ये सामने वाला खेत देखो 5.5 लाख का, और भाई अपना पूरी जगह ये है 5.5 लाख 40,000 रुपये की, तो मतलब डॉलर की, तो खेत अपना सही है। तो देखते हैं अब पैसे आएंगे तो धीरे धीरे खेत भी खरीद लेंगे यार। लो भाई इसका तो काम हो गया, हेल्पर चला जाएगा यार, हेल्पर चला गया तो हम चलते हैं उसके अंदर और इसको खोलते हैं पाइप को, अब देखते हैं कौन कितनी बची इसके अंदर है भाई, अभी 6,500 टोटल। लो यार अब ये किराए पे लिया था, इसका किराया मुझे लगा था 21,000 रुपया, और मुझे फ़ायदा हुआ कितना, 32, 32, 35, 35, 70। ओ भाई क्यों लड़ रहे हो? तो 1 मिनट, तो 21 व्हीकल लीजिंग कॉस्ट यार, ये मैंने और क्या लीज कर लिया भाई, मुझे समझ नहीं आ रही, ये एक चीज कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे, मैंने और कुछ तो किराए पे लिया ही नहीं यार। 1 मिनट, ये तो मैंने बोरो किए थे, और कोई तो मेरे पास व्हीकल भी नहीं है, ये कुछ गड़बड़ हो गया, कोई ग्लिच आया भाई। 21,000 रुपये था यहाँ पर अभी, और 8,000 रुपये यहाँ से और कट गया, ये क्या हुआ ये नहीं समझ आ रहा।
चलो कोई नहीं, अब हार्वेस्ट इनकम आज अपने को हुई है 1,08,000, कॉन्ट्रैक्ट इनकम टोटल हो गई है अपने को अक्टूबर में 1,02,000। अक्टूबर यार, ये तो नवंबर का महीना चल रहा है यार, अभी तो नवंबर था। अच्छा, तो मैं इस गेम को जब टेस्ट कर रहा था वो नवंबर का महीना था, लेकिन ये पैसे पता नहीं भाई $8,000 किस चीज़ के कट गए, समझ नहीं आई। अभी मेरे पास, मैंने जब चेक किया था 21,000 रुपये किराया था, अब किराया बढ़ गए 29,000 हो गया, समझ नहीं आया, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे कट जाते हैं। लो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया, उसको भी करते हैं, और ट्रॉली अपनी हो गई आज, ट्रॉली ट्रैक्टर अपने पास दो चीज़ आई है। चल भाई चल चल जल्दी, आखिरी बेचते हैं इसको, तो कौन से फ़ायदा हुआ भाई, किराया तो निकल ही गया अपना आराम से 21,000 रुपया, और बाकी अपने को 50-60-70,000 रुपया और आ गया, तो भाई 1,17,000 रुपया हो गया अपने पास। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आज किए कितने, 3, 2 कल्टीवेट के भाई, 1 सोयाबीन का, और एक अपनी आज कॉर्न काटी। आप अपनी कॉर्न काटने में भाई बहुत टाइम लग गया, क्योंकि खेत बड़ा था और हार्वेस्टर की कैपेसिटी छोटी थी, तो बार बार ट्रॉली से भरनी पड़ती थी, वो बार बार खड़ा हो जाता है ना। चल भाई चल, शॉर्टकट मार के चलते हैं। ये बची भाई कॉर्न 6,500 टोटल, इसको बेचते हैं 6,742, ये कितने की जाएगी भाई देखते हैं। ओके ये गई भाई अपनी ट्रॉली, ये तो भाई 42-46 की गई, अपने पास हुए टोटल 1,21,000। चलो अब चलते हैं हेल्पर के पास। भाई इसने तो पूरा खेत कर दिया, तो मैंने इसकी साइडें साइडें कर दी थी पहले, क्योंकि यार हेल्पर आपको पता है ये साइडों में करते नहीं है। चलो इसको लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को फटाफट, इसको ये हो गया, इसके हमें मिलेंगे $3,800, कलेक्ट करते हैं इसको। लो भाई अपने पास आ टोटल हो चुके हैं 1,25,000 रुपया, $1,25,000। और यार ये अपना फार्म हाउस है, अपने फार्म हाउस के पीछे ही है ये जगह, ये देख यहाँ से छलांग मार देगा, अरे नहीं यहाँ छलांग नहीं मार, तो अपना हाँ यार ये हार्वेस्टर वापस करना था, चलो मैं इसको कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये था आज का गेम प्ले, आज काफ़ी सारा अपने को फ़ायदा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कुछ समझ नहीं आती, जैसे कि अब ये नहीं समझ आ रहा मुझे, ये पैसे किराया इतना ज़्यादा क्यों लग गया, ये हेल्परों ने लिया भाई आज $8,500, और ये किराया अपने को आज लगा व्हीकल लीजिंग कॉस्ट 29,000, यानी कि $30,000 अपने को लग गया। कोई बात नहीं, अपने को फ़ायदा बहुत हुआ आज, तो फ़ायदा हो गया आज अपने को कितने का, 18,000। अच्छा 18,000 का फ़ायदा कैसे दिखा रहा है, अच्छा पिछला भी यार इसके अंदर मिक्स कर दिया इसने। चलो टोटल अपना ये है कि आज भाई हार्वेस्टर अपना, सॉरी हार्वेस्टर की जो लीजिंग कॉस्ट थी किराया वो भी निकल गया, अपना ट्रैक्टर भी बन गया, ट्रॉली बन गई, अब अगली बार फिर देखते हैं। और एक चीज़ मुझे चेक करनी थी यार, चलता हूँ भाग के जरा फटाफट आपको दिखा देता हूँ, मैं भी देख लूँ इसमें प्लोइंग की ज़रूरत है कि भाई इसमें अभी कल्टीवेट से काम चल जाएगा। तो ये दिखा रहा है वीड ग्रोइंग और नीड लाइम, तो ये कह रहा है अब इसमें लाइम डालो, लाइम डाल के फिर इसके ऊपर प्लोइंग होगी या क्या होगा अभी पता लग जाएगा, यार ऐसे नहीं पता चलेगा, इसमें पता चल जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है लाइम डालो, लाइम को हटाता हूँ तो दिखाएगा ये, इसके ऊपर ग्रे आ रहा है, तो प्लो स्टोन स्टोन हटाते हैं, मल्च मल्च हटाते हैं भाई, कुछ नहीं आ रहा। तो रिमूव, इसमें यार समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, हार्वेस्टेड तो आ गया ठीक है, तो इसके अंदर ये नहीं दिखा रहा कि इसको प्लोइंग की ज़रूरत है कि नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि सिर्फ इसमें लैम्प डलेगी, तो लैम्प तो मैं डालूंगा नहीं, मैं इसको कल्टीवेट करके देखता हूँ, अगर कल्टीवेट हो गया तो इसके ऊपर कोई फसल लगाता हूँ, फसल देखते हैं रेट किसका ज़्यादा मिलता है। तो चलते हैं एक बार फसल के अंदर, वीट का रेट तो भाई 1,000 रुपया है, अच्छा बार्ली है, ओट 1,600 है, कनोला है, तो कनोला लगा सकते हैं यार, अभी सीजन कौन सा चल रहा है, अभी अभी भाई वीट बार्ली लगा सकते हैं हम, कनोला पिछले महीने लगानी थी, और इस बार ग्रास लगा सकते हैं, ग्रास क्या करनी है यार, तो वीट और बार्ली में से भाई एक चीज़ लगानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के अंदर हमें दोनों में से एक फसल लगा सकते हैं, इसमें चलते हैं इसमें सॉरी। तो वीट का रेट चल रहा है 1,000 रुपया और बार्ली का रेट चल रहा है भाई 998, तो वीट लगाते हैं, वीट रख लेंगे कुछ और मुर्गी पाल लेंगे, अपनी मुर्गियों को खिला देंगे भाई थोड़ी सी। चलो ठीक है यार, ये था आज का गेम प्ले कॉन्ट्रैक्ट ओनली चैलेंज का, तो आज हमने फसल भी काटी अपनी और साथ साथ भाई कॉन्ट्रैक्ट भी किए 3-4, तो काफ़ी मज़ा आया, और आज अपने पास $1,25,000 हो चुका है। अब देखते हैं अगली बार क्या होगा,
तो मैं दिखा रहा हूँ आपको ओरिजिनल सीरीज़। कई बार भाई बोलते हैं ओरिजिनल सीरीज़ दिखाओ, तो कई बोलते हैं मोड़ दिखाओ, तो भाई मतलब दोनों चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी ये दिखा रहा हूँ, फिर अगली बार मोड़ भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। जो अपने पास इंडियन ट्रैक्टर सारे हैं उनको धीरे धीरे करके शिफ्ट कर देंगे FS22 के अंदर। यार अभी टाइम लगता है उस मोड को शिफ्ट करने में, क्योंकि उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर करो उसका इंतज़ार। पहले यार मुझे इसमें थोड़ा काम करने दो यार, इसमें काम करके सच में मज़ा आ रहा है, क्योंकि यह है असली खेती, असली खेती में आता मज़ा। ठीक है, ओके, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो भाई, एकदम मस्त रहो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।